सुरभि चंद्रा, जी हाँ सुरभि चंद्रा किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे बानी के किरदार से, तो उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट ही आया था। जी हाँ, बानी के किरदार से घर घर में फेमस हो चुकी हैं सुरभि चंद्रा, इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी हिट शोज दिए हैं, लेकिन अगर बात करें वीर और बानी की तो इस जोड़ी को तो फैंस शायद ही भूल पाएँ। आपको बता दें सुरभि चंद्रा को लेकर खबरें आ रही हैं सामने कि वो एक बार फिर से करने वाली है एंट्री, जी हाँ रियलिटी शो में आने वाली हैं सुरभि चंद्रा, कुछ इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। आखिर कौन होगा वो रियलिटी शो, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। जिस तरह से आप जानते होंगे बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, ये दो रियलिटी शो काफ़ी फेमस है, तो बता दें आपको जी हाँ इन्हीं के कंटेस्टेंट्स के तौर पर सुरभि चंद्रा को अप्रोच किया गया है। देखने वाली बात ये होगी क्या सुरभि चंद्रा इन दोनों में से आखिर किस शो को साइन करेंगी। जी हाँ, जिस तरह से आप जानते होंगे बिग बॉस 14 अभी हाल ही में ऑफर गया है, जहां पर रुबीना दिलेक इस शो की विजेता बनी थी, तो वहीं बात कर रहे हैं बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स को लेकर फिर से मेकर्स लग गए हैं अपने काम पर। जी हाँ, वो सेलिब्रिटीज़ को देख कर अप्रोच कर रहे हैं। सो वहीं खतरों के खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वो अब शो को सीजन 11 आने वाला है, तो शो का सीजन 10 आ चुका है ऐसे में। वहां पर करिश्मा तन्ना हुई थी विजेता, जो कि पहले ही नागिन रह चुकी हैं और एक नागिन विजेता बन चुकी है। सो ऐसे में ये काफ़ी बड़ा सवाल है क्या सुरभि चंद्रा भी शो की विजेता रहेंगी। खैर पहले तो शो साइन करें, ये काफ़ी बड़ा सवाल है फैंस का, ऑडियंस का, कि आखिर इन दोनों शो में से किस शो में सुरभि चंद्रा नजर आएंगी या फिर दोनों को ही साइन नहीं करेंगी। आपको बता दें कैरेक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट प्ले कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे सुरभि चंद्रा ने शुरू से लेकर अभी तक अपने कैरेक्टर्स में अलग अलग तरीके के चांसेस लिए हैं, चैलेंजेस लिए हैं। ऐसे में खतरों के खिलाड़ी शो को साइन करना एक काफ़ी अच्छा उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि शो को साइन करें और यहाँ पर आकर तरह तरह डिफरेंट चैलेंजेस लें और अलग से एक स्टंट परफॉर्म करें। जिस तरह से तेजस्वी प्रकाश ने पिछले सीजन में इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी और ऑडियंस का दिल जीता था, सो ऐसे में सुरभि चंद्रा को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और सुरभि चंद्रा को एक बार ये शो तो ज़रूर साइन करना चाहिए। क्या कहते हैं आप, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वैसे किस शो में देखना चाहते हैं, किस रियलिटी शो में देखना चाहते हैं सुरभि चंद्रा को आप, क्या आप खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में देखना चाहते हैं या बिग बॉस सीजन 15 में, ज़रूर बताना कमेंट करके। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you for watching.